बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग से पहले हमें समझना होगा, मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन से है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि रियल फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें दो सेट होते हैं, एक में एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, दूसरे में वाई की वैल्यू लिखी जाती है। तो एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू हमको मिलती है, तो इसको जब इस फार्म में डिनोट किया जाता है, दो सेट की फार्म में, तो ये मैपिंग कहलाता है। और इसको इस तरीके से अगर लिखा जाता है वाई फंक्शन है एक्स का, तो इसको फंक्शन बोलते हैं या यहाँ पर मैपिंग भी बोल देंगे। और मैपिंग इसलिए यहाँ और बोला जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर बना के दिखाना पड़ेगा, जैसे कि ये तो रियल फंक्शन है और रियल फंक्शन के लिए हम एक्स की वैल्यू के लिए जो है वो वाई की वैल्यू को लिखते हैं। जैसे कि फंक्शन था वाई एक्स का, तो एक्स की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो होंगी वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक्स टू रखी तो फंक्शन में रखा, उससे वाई टू की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग को एक प्लेन लेते हैं इसको प्लॉट करने के लिए, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू और वाई एक्सिस पर वाई की जो वैल्यू है उनको, यानी एक्स वन पर फंक्शन की वैल्यू माना वाई वन है, वाई वन के लिए मैं इस पर चलना पड़ेगा, माना ये डिस्टेंस है वाई वन, यहाँ तक दूरी वाई वन है। तो इस ये पहला पॉइंट मिल गया, कौन सा, एक्स वन वाई वन मिल गया। इसी तरीके से एक्स टू पर फंक्शन की वैल्यू वाई टू है, माना कि एक्स टू ये पॉइंट है और उसके करस्पॉन्डिंग वाई टू ये यहाँ से लेके ये दूरी है, ये वाई टू है, तो उसके दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, यहाँ से चलेंगे इधर से चलेंगे परपेंडिकुलरली, तो ये पॉइंट एक्स टू वाई टू मिल जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर इस प्लेन पर मिल जाएंगे, सभी पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमारा ये कर्व या ग्राफ मिल जाएगा जिस फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। ये रियल फंक्शन के लिए है। अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड की, और जेड खुद जो होता है वो दो पार्ट में बटा होगा, रियल पार्ट एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट वाई। तो इसको जेड को डिनोट करने के लिए ही दो एक्सिस की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जेड को डिनोट करने के लिए जिस प्लेन का इस्तेमाल करते हैं वो आर्गन प्लेन होता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। ये वाली एक्सिस जो एक्स एक्सिस होती है वो हम जानते हैं कि रियल एक्सिस होती है, और ये वाली एक्सिस जो होगी वो इमेजिनरी एक्सिस होगी। वाई एक्सिस यहाँ पर ले लिया, तो x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू, x और y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर माना कि x से ये दूरी चलते हैं, y की वैल्यू माना इतनी है, तो इसको z पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम दोनों तरफ से चलेंगे, तो इस पॉइंट z को दिखा देंगे जो z का एफ एक्स जो है वो p आ गया, तो जो कि x प्लस आई वाई को डिनोट करेगा, जिसे हम ऑर्डर पेयर में x कम वाई से भी डिनोट करते हैं। यानी हमारा फंक्शन ये यहाँ पर एक w बराबर एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन है, और z को डिनोट करने के लिए हर एक पॉइंट z की हर एक वैल्यू को डिनोट करने के लिए हमको एक दो एक्सिस का सहारा लेना पड़ा। इससे पहले हमारा ये फंक्शन कैसा रियल फंक्शन था, और उसके ये x जो वेरिएबल था यहाँ पर जिस पर y भी डिपेंड कर रहा था वो y फंक्शन था, यहाँ पर है एक्स फंक्शन। तो एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स की वैल्यू को डिनोट करने के लिए सिर्फ ये लाइन है रियल, क्योंकि नंबर रियल नंबर्स को जो है एक लाइन से डिनोट कर सकते हैं नंबर, तो ये दोनों एक्सिस रियल एक्सिस थी, इस पर रियल नंबर डिनोट हो रहे थे, तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे थे, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू इस फंक्शन से रिलेटेड मिल जा रही थी, और हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर W एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और ये Z का फंक्शन है, और Z एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसे डिनोट करने के लिए देखा कि हर एक पॉइंट, अगर हमने Z की कोई एक वैल्यू ले ली उसके लिए एक पॉइंट हो गया, Z की दूसरी वैल्यू लेंगे दूसरा कोई पॉइंट हो जाएगा, तो कुल मिला के हमें पूरे इस प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है जेड को डिनोट करने के लिए। अब डब्ल्यू को यहाँ पर दिखा देंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए इसी के पास में ही एक दूसरा एक प्लेन ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू प्लेन बोलते हैं। इसको पहले वैल्यू को जिसमें जेड की वैल्यू को डिनोट किया जाता है उसे जेड प्लेन बोलते हैं, और जिसमें डब्ल्यू की वैल्यू को डिनोट किया जाता है यानी फंक्शन को, उसे जेड डब्ल्यू प्लेन बोलते हैं। और जिस तरीके से अभी देखा कि जो जेड
है, उसको डिनोट करने के लिए हमें रियल और इमेजिनरी दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऐसे ही डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है उसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इसको भी डिनोट करने के लिए दो एक्सिस की, दो लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रियल एक्सिस है जिसको यू एक्सिस बोलेंगे और इमेजिनरी एक्सिस जिसको वी एक्सिस बोलेंगे। वहाँ पर ओरिजिन को ओ से और यहाँ पर ओरिजिन को किसी और नाम ओ डैश से डिनोट कर दें। और जेड की डिफरेंट वैल्यू के लिए डब्ल्यू के में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि डब्ल्यू फंक्शन है इस जेड का। तो जैसे जेड की एक वैल्यू हमने ली, जेड वन ली, तो जेड वन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फंक्शन के, उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, माना कि वो डब्ल्यू वन है। इसी तरीके से जेड की दूसरी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माना जेड टू है, और उसको रखने के बाद देखेंगे डब्ल्यू की जो वैल्यू मिलेगी, उस डब्ल्यू की वैल्यू को उसमें, चूंकि रियल पार्ट और इमेजी पार्ट होंगे, तो उसकी हेल्प से रियल पार्ट इमेजी पार्ट डिनोट करते हुए जेड टू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू डब्ल्यू टू मिलेगी। इस तरीके से जेड थ्री के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू माना कि डब्ल्यू थ्री मिलेगी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम जेड की वैल्यू लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फिर हमें इस डब्ल्यू की वैल्यू सी के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। अगर यहाँ पर एक ये कर्व मिलता है इन सबको मिलाने पर, तो इस तरफ डब्ल्यू प्लेन में भी एक कर्व मिलेगा। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिनोट करने के लिए देखा कि हमें दो प्लेन की ज़रूरत होगी, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिनोट करने के लिए एक तो हमें जेड को डिनोट करने की जरूरत पड़ेगी और दूसरा डब्ल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तब करना जरा।